So, यहाँ पर दो नहीं बल्कि तीन स्मार्टफोन्स होने वाले हैं IQ की तरफ से। यहाँ पर IQ ने ऑफिशियली यहाँ पर कंफर्म कर दी है कि हमें यहाँ पर IQ 9 देखने को मिलेगा, IQ 9 Pro, और साथ में हमें IQ 9 SE भी देखने को मिलेगा। खैर IQ 9 और IQ 9 Pro जो है ये फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स होने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर जो IQ 9 SE है ये भी फ्लैगशिप रहेगा, लेकिन जो इसमें स्पेसिफिकेशन देखने को मिलेंगे ना वो काफी दमदार और जो है परफॉर्मेंस जो है काफी शानदार देखने को मिलने वाली है। खैर चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं IQ 9 SE के बारे में, साथ ही में बात करेंगे कि IQ 9 सीरीज की क्या स्टेटस है इंडिया में। यार वीडियो जो है काफी इंटरेस्टिंग रहने वाली है, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि हमारा यहाँ पर गिव अवे जो है स्टार्ट हो चुका है, तो गिव अवे के रूल्स जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिए, फॉलो करिए। और आप में से फर्स्ट विनर को यहाँ पर मिलेगा 2500 रुपीज का कैश प्राइस, सेकंड विनर को 1000 रुपीज का कैश प्राइस, और थर्ड विनर को 500 रुपीज का कैश प्राइस। तो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, रूल्स मेंशन है वो फॉलो करिए और आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो बिना किसी देरी के हम लोग बढ़ते हैं अपनी इस वीडियो की तरफ, तो आइए देखते हैं। सो यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि जो IQ 9 SE है ये एक रीब्रांडेड वेरिएंट हो सकता है IQ Neo 5S का, जो कि हमें लास्ट ईयर यानी कि दिसंबर में चाइना में ऑलरेडी देखने को मिल चुका है। तो इसी के कारण हमारे पास जो इसके स्पेसिफिकेशंस है ना वो सारे अवेलेबल है, तो हमें एक अंदाजा हो जाता है कि हमें क्या कुछ इसमें देखने को मिल जाएगा। खैर यहाँ पर आपको एक और चीज बता दूं कि हमारे पास में लीक्स हैं, तो जरूरी नहीं है कि यहाँ पर ये सारी एक्यूरेट रहेंगी, क्योंकि हो सकता है कि लॉन्च के वक्त यहाँ पर कुछ डिटेल जो है चेंज हो जाए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग डिस्प्ले के बारे में बात कर लेते हैं। डिस्प्ले जो है यहाँ पर हमें 6.62 इंचेस की फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ में आने वाली AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पर हायर टच सैम्पलिंग रेट भी रहने वाला है, लेकिन कितने हर्ट्ज का वो अभी कंफर्म नहीं है। प्रो मॉडल में तो हमें शायद 1000 हर्ट्ज का देखने को मिले, इसमें अभी कंफर्म नहीं है कि कितने हर्ट्ज का यहां पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहां पर आप लोगों को बता दूं, फोन जो है ओरिजिन OS के साथ में लॉन्च हुआ था चाइना में। इंडिया में आपको पता ही है कि किसके साथ में लॉन्च होगा, वीवो की कंपनी है, यहाँ पर फ्रंट टच OS हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। खैर यहाँ पर मुझे लगता है ना कि वीवो को यहाँ पर IQ के लिए एक डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना चाहिए। क्या आप लोग यही सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे हिसाब से तो एक डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम रहना चाहिए जिसमें कोई भी ब्लॉटवेयर ना देखने को मिले, कोई भी एड्स वगैरह ना देखने को मिले, और हमें एक नीट एंड क्लीन UI देखने को मिले, खैर जो कि अभी पॉसिबल नहीं है किसी भी चाइनीज जो है ऑपरेटिंग सिस्टम में। इसके अलावा यहाँ पर बात करी जाए, देन यहाँ पर हमें जो परफॉर्मेंस है वो काफी दमदार देखने को मिलने वाली है, क्योंकि हमें लास्ट ईयर का यहाँ पर फ्लैगशिप देखने को मिल जाएगा, Qualcomm Snapdragon 888 SoC देखने को मिल जाएगा, जो कि बेस्ड है 5 नैनोमीटर वाली टेक्नोलॉजी पर। इसके अलावा इसके जो हीटिंग इश्यूज है ना उसको यहाँ पर कंट्रोल करने के लिए मेरे हिसाब से तो IQ को कुछ करना चाहिए। खैर मुझे लगता है कि IQ इस चीज को टैकल करने के लिए लिक्विड कूलिंग सिस्टम जो है इंप्लीमेंट कर सकता है। इसके अलावा ना यहाँ पर आपको बता दूं कि यहाँ पर हमें मैक्सिमम 12GB रैम और मैक्सिमम 256GB स्टोरेज देखने को मिल जाएगी, और LPDDR5 रैम टाइप देखने को मिल जाएगा, UFS 3.1 स्टोरेज टाइप देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा कैमरा डिपार्टमेंट के बारे में बात करिए, 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी इमेज सेंसर देखने को मिल जाएगा, जिसमें हमें OIS की भी सपोर्ट देखने को मिल जाएगी। खैर अगर आप लोगों को नहीं पता ना कि OIS क्या होता है, उसके बारे में मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई थी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन में मिल जाएगा, क्लिक करके वीडियो जरूर देख लीजिएगा। इसके अलावा हमें यहाँ पर 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो इमेज सेंसर देखने को मिल जाएगा। खैर यहाँ पर 2 मेगापिक्सल काफी कम है, एटलीस्ट यहाँ पर 5 मेगापिक्सल का मैक्रो नहीं, मेरे हिसाब से तो टेलीफोटो कैमरा तो होना चाहिए था, जूम लेंस जरूरी था एक यहाँ पर। आपका क्या सोचना है कमेंट करके बता दीजिएगा। इसके अलावा फोन में जो है हमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा, और साथ में हमें यहाँ पर स्टीरियो स्पीकर्स वगैरह यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। और हाँ आप लोगों को एक और चीज बताना चाहूंगा कि अगर आप लोगों को एक रेड कलर में सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, अगर आप उस पर क्लिक कर देंगे ना, देन इसके इस स्मार्टफोन में जो आपको परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी ना वो नॉर्मल से भी ज्यादा तगड़ी देखने को मिलेगी। नहीं यकीन, ट्राई करके जरूर देखिए, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करिए और फोन जो है यूज करके देखिएगा। तो अभी हम लोग बढ़ते हैं इसकी प्राइसिंग की तरफ, लेकिन प्राइसिंग के बारे में बात करने से पहले ना आपको दोबारा से बता दूं कि यहाँ पर वीवो ने 2 स्मार्टफोन्स लॉन्च करने थे, IQ 9 और IQ 9 Pro, लेकिन अभी रिसेंटली कंफर्म कर दिया कि IQ 9 SE भी देखने को मिलेगा। तो अगर कॉस्ट के बारे में यहाँ पर बात करी है, जो IQ 9 Pro है इसकी जो कॉस्ट है 50,000 से अबव ही रहने वाली है, क्योंकि उसमें जो स्पेसिफिकेशंस देखने को मिलते हैं वो 30-40 हज़ार रुपए वाले तो है नहीं दोस्तों। तो उसके हिसाब से अगर कॉस्ट देखी जाए वो 50,000 से अबव भी रहने वाली है, और वो डिजर्व भी करता है। इसके अलावा बात करी जाए IQ 9 के बारे में, इसकी जो कॉस्ट है वो रह सकती है 43,000 रुपीज, जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया कि इसकी जो कॉस्ट है वो 43,000 रुपीज रह सकती है। इसके अलावा बात करी जाए IQ 9 SE के बारे में, हमारे पास सुनने में आया कि IQ 9 SE जो है इसकी जो कॉस्ट है
वो 35,000 के अराउंड रह सकती है। खैर लीक्स आई है, अभी मैं कोई पक्का नहीं कह सकता कि 35,000 रुपए ही रहने वाली है। खैर इससे ज्यादा तो नहीं होने चाहिए मेरे हिसाब से, तो इससे कम हो ये चल जाएगा। इसके अलावा बात करिए इसके लॉन्च के बारे में, इसका लॉन्च जो है एक्सपेक्टेड है कि हमें इसी मंथ के लास्ट तक देने को मिल जाएगा, नहीं तो लास्ट तक तो कंफर्म तो हो ही जाएगा। इसके अलावा ना आप लोगों को एक और चीज बताना चाहूंगा कि यहाँ पर हमें बैंक ऑफर्स जो है ना काफी शानदार देखने को मिल सकते हैं, एटलीस्ट हमें 4,000 रुपीज का तो कैशबैक यहाँ पर देखने को मिल सकता है। खैर आप लोग यहाँ पर बताइए कि क्या आप लोग यहाँ पर IQ 9 सीरीज का यहाँ पर वेट कर रहे हैं या नहीं, ये आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। तो दोस्तों ये थी कुछ बातें IQ 9 SE के बारे में और IQ 9 सीरीज के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी के साथ ही हम लोग मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉचिंग आवर वीडियोज़।